हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे फ्रेंड्स और स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, आज है संडे और संडे की मतलब जो शुरुआत है सुबह की, जो काम करने की, वो हो चुकी है। और मैंने सुबह से ही ये फूल लगाने का मतलब सोचा है। तो ये जो मिट्टी है ना फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा सा कच्चा है, तो इसी में ये मैंने एक चमेली का फूल लाया था, उसी को मैं लगा रही हूँ। और इसको मैं गमले में इसलिए नहीं लगा रही फ्रेंड्स, क्योंकि इसको मतलब ये किनारे किनारे ही इसको मतलब झड़ाना होगा, मत जैसे बेल टाइप की इनकी पत्तियां और तना निकलेगा। और इसका फूल फ्रेंड्स महकता है, इसलिए इसको मैं दरवाजे के पास में ही लगाऊंगी। और वैसे फ्रेंड्स, मैं आपको मैंने बताया था कि 5-6 पौधे लाई थी वहाँ से, मतलब गई थी जब हॉस्पिटल गई थी, तो वहीं तरफ मतलब बिकता है, तो वहीं से मैं 6 पौधे लाई थी। और ये देखिए फ्रेंड्स, इनके पापा है ना, तो चाय पीकर और ये अपने काम में जब भी रेस्ट करते हैं ना, तो बस इनका यही काम रहता है कि पेड़ पौधों के पास सफाई करना। और जैसे काई लग जाता है ना, तो उसी को साफ कर रहे हैं। और ये आज गाड़ी निकाले हैं, क्योंकि गाड़ी की आज धुलाई करेंगे। पानी जैसे चलने लगा है, 9 बज गए हैं तो पानी चल रहा है, तो ये गाड़ी धो रहे हैं। क्योंकि वैसे हम लोग का जो काम है ना फ्रेंड्स, तो आधे घंटे, जैसे नल 1 घंटे चलता है, तो आधे घंटे में ही हो जाता है, क्योंकि ड्रम भरना रहता है, वो भर जाता है। और जो आंगन धुलना है और फिर पानी भरना, बस इतना ही काम रहता है। और जो नहाने धोने का काम है, तो वो थोड़ा रुक के होता है। तो अभी ये घर में है, तो मैं भी जल्दी से नहीं नहाऊँगी, क्योंकि इन लोग नहा लेंगे और पूजा का पानी भर लेंगे। और जब कोई नहीं रहता, तब मेरे को जल्दी नहाना पड़ता है और पूजा का पानी भरना पड़ता है फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी पौधों को, और ये पहले से बहुत सारे पौधे लगे थे फ्रेंड्स, तो वही गमले अभी खाली पड़े थे, तो मैं इन्हीं में सब में लगा दूंगी अच्छे से। और ये प्लास्टिक के हैं फ्रेंड्स, और ये जैसे नीचे ना छेद है ये गमले के, तो उसमें कुछ पत्थर या फिर ऐसे जो नारियल का ये नहीं होता है, जट्टा हमारे यहाँ बोलते हैं, वही मैंने रख दिया है, क्योंकि मिट्टी से उनके जैसे गमले के छेद है, तो भटे ना और पानी आराम से निकल जाए, नहीं तो पानी जमा होगा फ्रेंड्स ये गमले में, तो पौधा सड़ भी जाएगा और सूख भी जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स 3 पौधे मैंने लगाए हैं, और 3-4 लगाए हैं, और 3 पौधे मैं कल लगाऊंगी, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो रहा है, घर का भी काम करना है और बाज़ार भी जाना है, क्योंकि राखी भी लेनी थी। तो आज इनके पापा, आज इनका जैसे ड्यूटी चेंज हुआ है ना, तो आज दिन भर घर ही में रहेंगे, तो इन्हीं के साथ में जाऊँगी, तो उसी के लिए लेट होगा। और मुझे 11 बजे तक तैयार भी होना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये कल सोमवार को छोड़कर फिर मंगलवार को हम लोग चले जाएंगे, मैं चले जाऊंगी अपने मायके, तो इसीलिए मैं आज ही जो शॉपिंग है तो कर लाऊंगी, क्योंकि सोमवार से फिर आज से इनकी नाइट ड्यूटी हो जाएगी, तो आएंगे तो फिर सोएंगे और बाज़ार नहीं जाएंगे। इसीलिए मुझे बोल रहे हैं कि जल्दी तैयार हो जाओ, तो बाज़ार करने मतलब बाज़ार जाएंगे, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी अपना काम कंप्लीट कर लूँगी फ्रेंड्स। और ये देखिए, पलंग के नीचे ना बहुत कचरा हो गया था, तो मैं उसी को साफ कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, बरसात के समय में ना जितने जैसे ठंडक रहती है, तो उतने ही ये मकड़ी के जाले ऊपर भी नीचे भी लगते हैं, नीचे भी लग जाते हैं, तो ऊपर के तो साफ हो जाते हैं झाड़ू जैसे झाड़ू से, और जो नीचे है तो बहुत कम, जैसे सामान हटाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं गिर गई थी अभी यहाँ, तो वही बच्चा मेरे को उठाया है और आकर वही जल्दी जल्दी काम में कुछ ना कुछ मतलब नुकसान हो ही जाता है। वैसे लगा नहीं है, बस थोड़ा सा गिर गई थी, बैठ गई थी। और ये कोने का जो कबाड़ था ना फ्रेंड्स, तो मतलब बहुत दिन से मैं साफ़ करने के लिए बोल रही थी कि साफ़ करूँगी साफ़ करूँगी, तो वही आज साफ़ हो गया है। और मेरा मन मतलब हल्का हो गया है कि चलो कुछ तो साफ़ हो गया है। और ये सब कपड़े फ्रेंड्स, तो ये सब धोने के लिए मैं निकाल रही थी, क्योंकि जैसे ये इस समय बहुत गर्मी हो रही है ना फ्रेंड्स, तो जितनी साफ या टावल ये सब है ना, तो सब में ये बच्चे पसीन उसके फेंकते रहे। और जैसे जितनी टावल ये हमारे यहाँ साफ ही बोलते हैं, तो सभी महकने लगा था, तो सबको मैं निकाल कर रख दूंगी और सभी मैं मतलब धोने के लिए।
और ये दो तकिया हैं फ्रेंड्स, तो ये मेरा बेटा वहीं लिया था जबलपुर में, तो वो यहाँ ले आया है। और हम लोग का इच्छा नहीं होता है कि ये तकिया को मतलब रख लें, तो इसी को मैं क्वार्टर में रखवा दूंगी। और ये फ्रेंड्स ये आज बनाओ कपड़े रख के, दूसरे दिन आपको ऐसे ही मिलेंगे बिगड़े हुए, क्योंकि जो बच्चे हैं ना कभी बना कर नहीं रखते हैं कि बना कर रखें कि क्या कुछ, सब फैला कर रख दें, एक सामान ढूंढेंगे अब पूरे रैक में कपड़े फैला देंगे। बताओ भी कि यहाँ नहीं है फिर भी पूरा मतलब निकाल कर फेंक देंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये पूरा रैक मुझे साफ़ करना है, और क्योंकि मैं जैसे चली जाऊंगी मेरी बेटी रहेगी तो वो ये सब इतना नहीं कर पाएगी, इसलिए थोड़ा बहुत मैं कर लूँगी, और जैसे करेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे ही सफाई करती है वो भी वैसे सामने सामने का। और फ्रेंड्स ये देखिए, इसमें पूरे कपड़े जैसे धुलने वाले रखे थे तो सब धुल दूंगी उसको, और कुछ वैसे साफ भी हैं तो उनको रख दूंगी। ये फ्रेंड्स ये जो बर्तन है ना, ये टंकी मैं खरीदती नहीं, मेरे पास मतलब छोटी बड़ी से लेकर 7-8 टंकियां हैं, तो सब मुझे ऐसे मतलब जैसे बिहार में मिली हैं, छोटी छोटी हैं, और ये सब हैं। तो वैसे तो जैसे इसमें कुछ भी रखो जाए चावल ये शक्कर, तो चावल तो अभी उतना नहीं रखते हैं क्योंकि अभी बड़ी बड़ी दो हैं तो इसी में हो जाता है, और ये अभी खाली पड़ी रहती हैं। अब आजकल इंसान मतलब आजकल इसमें पानी भी नहीं भरता है, बस हो गया जो जितना मतलब बाल्टियां हैं उसी में हम लोग का हो जाता है, दो बाल्टियां भर लेते हैं और 2-3 कल से। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये चूड़ियां इसमें रखी थी बैग में, तो ये बहुत जैसे 2-2, 3-3, 4-4 करके बहुत चूड़ियां बची थी, तो इनको मैं सब छांट कर। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई है जो स्वेटर बिनने वाले, ये मुझे मेरी माँ ने दिया था, पहले मतलब बहुत सारा लगा करता था तो वही रखा है। तो अब आजकल तो नहीं बिनते हैं स्वेटर, फिर भी अपनी माँ के मतलब उसमें से मैं रखी हूँ कि मेरी माँ ने दिया था। और मैं इनमें से अच्छी अच्छी चूड़ियाँ फ्रेंड्स छाट दूँगी और फिर रख लूँगी, फिर अगले साल यही होगा, फिर ऐसा ही होगा। मतलब अब ये इनका जो कलर है ना सब छूट जाता है और निकल जाता है, तो दोबारा पहनने का मन भी नहीं करता, इसलिए नहीं पहनती हूँ। और आजकल दो चार चूड़ियों में ही मतलब कट जाता है, जैसे महीना दो महीना कहीं जा तभी आप अच्छी मत भर के चूड़ी पहन सकते हो, नहीं तो घर में 2-4 चूड़ियाँ लेडीजें पहनती हैं, तो वैसे इसीलिए वो सब चूड़ियाँ बची हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे घर की सफाई हो गई है। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आज का ब्लॉग, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स फिर मिलूंगी एक अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।